दोस्तों आपने बिटकॉइन के बारे में तो कई बार सुना होगा या फिर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आज आप मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है और ये बिटकॉइन माइनिंग आखिर है क्या। अगर आप बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन माइनिंग कैसे काम करती है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत ज्योति, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करनी आती है आखिर बिटकॉइन है क्या। दोस्तों देखिए, बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, यानी कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है। ये करेंसी सिर्फ आपके हार्ड डिस्क, मोबाइल या इन सभी डिवाइस में स्टोर होती है। अगर मान लो आपने कोई बिटकॉइन खरीदा हुआ है, अगर आप वो बिटकॉइन आपने अगर अपने स्मार्टफोन से खरीदा है, तो अगर आपका स्मार्टफोन खो जाता है तो वो जितने भी बिटकॉइन उसके अंदर स्टोर है वे सारे चले जाते हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसके अंदर जितने भी, अगर आपके पास उसके अंदर 100 बिटकॉइन है या एक बिटकॉइन है, अगर आपकी हार्ड डिस्क हो जाती है या फिर अगर आपका स्मार्टफोन खो जाता है या फिर किसी तरह खराब हो जाता है, तो आपकी उसके अंदर स्टोर जितनी भी बिटकॉइन है वे सारी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। ये होती है बिटकॉइन। बिटकॉइन अगर आप खरीदते हैं तो इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये समय कई लोगों का कहना है कि बिटकॉइन खरीदने का समय सही नहीं है। और अगर बात करें कि बिटकॉइन आखिर इतनी महंगी क्यों गई, जो बिटकॉइन है उसे माइन करने के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी लेती है जितनी आपके पूरे घर को एक सप्ताह के लिए आराम से इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। एक बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है और बिटकॉइन की प्राइस इतनी हाई है कि आप अगर आप एक बिटकॉइन से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 11 से 14 लाख के बीच में मिलेगी। कुछ साल पहले बिटकॉइन की कीमत बहुत कम थी, जब बिटकॉइन रिलीज हुआ था उस समय $1 बराबर एक बिटकॉइन हुआ करता था, मगर अब बिटकॉइन की प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी है। आखिर ये बिटकॉइन माइनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, आप अगर आपके पास कोई हाई स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर है और आप उसमें बिटकॉइन को माइनिंग करना चाहते हैं तो इसके लाभ है। अगर आप बिटकॉइन माइनिंग करते हैं तो आपको कुछ कमीशन दिया जाता है, कमीशन के रूप में आपको बिटकॉइन ही दिए जाते हैं। अगर बात करें कि बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है, इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं और साथ ही साथ जो बिटकॉइन कंपनी है उसका भी एक अवेलेबल सॉफ्टवेयर आता है। मगर जब आप अपने पीसी से बिटकॉइन माइनिंग करते हैं तो आपको उस पीसी को ऑन करके भूल जाना है, क्योंकि आप उस पीसी में फिर और कोई काम नहीं कर सकते। उस पीसी में बिटकॉइन माइनिंग ही हो रही होते हैं उस वक्त आप उस पीसी में कोई और काम नहीं कर सकते। और जो बिटकॉइन माइनिंग है उसके अंदर आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा आपका पीसी जितना इलेक्ट्रिसिटी आप का बहुत महंगी होती है। और एक बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए पूरी दुनिया में इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च की जाती है कि आपके एक घर के पूरे सप्ताह के लिए इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी होती है। एक बिटकॉइन माइन करने के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। और अगर आप बिटकॉइन माइन करना चाहते हैं तो आपको एक हाइयर पीसी चाहिए होगा जिसमें कम से कम इंटेल का i7 प्रोसेसर होना चाहिए। अगर इंटेल Xeon सीरीज का प्रोसेसर है तो वो काफ़ी है। अगर आपको साथ ही साथ आपको कम से कम 8 GB रैम और इससे बड़ा ग्राफिक होना चाहिए ताकि आप आसानी से बिटकॉइन माइनिंग कर सकें। साथ ही साथ आपकी जो उसका पावर सप्लाई होती है वो भी आपको बहुत बड़ी चाहिए होगी, क्योंकि बिटकॉइन माइन करते वक्त आपका पीसी हैंग हो सकता है, साथ ही साथ काफ़ी गर्म भी हो सकता है। इसलिए बिटकॉइन माइनिंग वैसे तो यूजफुल है, मगर इसके लिए आपको पूरे एक बहुत महंगा पीसी चाहिए होगा। लगभग 1 या 2 लाख रुपये का पीसी आपको चाहिए होगा बिटकॉइन माइन करने के लिए। छोटे पीसी में ये इतना संभव नहीं है क्योंकि उसमें आपके पीसी को खराब होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। साथ ही साथ अगर आप बिटकॉइन माइन करना चाहते हैं, अगर आप इसमें देख लीजिए कि क्या आपको जितना कमीशन मिल रहा है क्या उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, अगर बराबर है तो आपको बिटकॉइन माइन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको लॉस नहीं खाना चाहिए। अगर आपको फायदा हो रहा है बिटकॉइन माइनिंग से तो आपको बिटकॉइन माइनिंग करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा बिटकॉइन क्या होता है और बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।